राजधानी रांची के हरमो मैदान में शनिवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में शुरू हुई संकल्प यात्रा के समापन समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। इस दौरान मंच से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, हमारा संघर्ष वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 4 सालों से विकास ठप है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कार्यकर्ताओं से हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। लेकिन इस जो संकल्प लेकर के हम सब लोग चले हैं, उस संकल्प को पूरा करने के लिए अब हम सब लोगों को तन मन धन से हम सब को लगना है, तभी यह संकल्प पूरा होगा। और आज हम सब लोगों के बीच एक कार्यक्रम तो ये संकल्प यात्रा का समापन, जहां प्रदेश में जहां 81 विधानसभा क्षेत्र है, 81 में से 75 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था। और जैसे अभी आपको बता रहे थे, 6 विधानसभा क्षेत्र जो रांची शहरी और ग्रामीण जिला का कार्य क्षेत्र है, वो 6 जिला के कार्यक्रम का एक समारोह है। और समारोह में यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपस्थित थे, और साथ साथ जो अमृत कलश लेकर के कल यहाँ से दिल्ली की ओर लोग प्रस्थान करेंगे, और दिल्ली में 31 तारीख को वहाँ भव्य कार्यक्रम है, यानी अमृत वाटिका वहां बनेगी। राष्ट्रीय कार्यक्रम में पूरा देश से वहां लोग एकत्रित होंगे, तो झारखंड के भी गांव गांव में सरकार लगी हुई है। आज झारखंड में जो कुछ भी विकास का काम देखे है, यहाँ के लोगों के लिए जो विकास का काम हुआ, जब इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी, पहले तो देश में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी तो अलग झारखंड राज्य बना, अलग झारखंड राज बना, और राज बनने के बाद जो विकास का काम प्रारंभ हुआ, आज अगर हम देखें तो इस प्रदेश के गांवों तक सड़कें पहुंची है, घरों तक बिजली है, नदी नाला में पुल पुलिया बना के आने जाने के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हुई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण, क्योंकि देश में तो कांग्रेस पार्टी ने 50-55 वर्षों तक राज किया, लेकिन तब भी कोई गांव की सुधि नहीं ली थी, ना अलग झारखंड राज बनाया था। अगर इस काम को किसी ने पूरा किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी और आप देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप काम हो रहा है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं कि आज इतना विकास जो सारे कुछ देख रहे हैं, इन्होंने तो कई एक सारे घोषणाएं की थी। उन्होंने कहा था कि नौजवानों को 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देंगे तो भत्ता देंगे। चुनावी मंचों से नहीं, विधानसभा में उन्होंने घोषणा किया था, उनके वित्त मंत्री का बजट भाषण में है 2020 का, लेकिन आज तक उन्होंने एक भी काम पूरा नहीं किया। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज इस राज्य में हेमंत सोरेन के रहते प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अपना विकास करते हैं, परिवार का विकास करते हैं, पैसे के लिए राजनीति करते हैं, कानून रो चोरी डकैती हत्या अपहरण बहुत में आप काम नहीं है, भ्रष्टाचार ब्लॉक से लेकर के जितने भी सरकारी दफ्तर है, छोटा या बड़ा काम बिना पैसा से नहीं होता है, और लूट तो सब तरफ मची हुई है, चाहे वो जमीन की लूट हो, कोयला की लूट हो, बालू की लूट हो, पत्थर की लूट हो, यानी लूट ही लूट है। और उन लुटेरों से झारखंड को आप बचाना, हेमंत सोरेन तो उन लुटेरों को संरक्षण दे रहे हैं। आज अगर उन लुटेरों के विरोध में उन लोगों को पकड़ करके ईडी वालों ने जेल भेजा है, तो उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से महंगे वकीलों को ले आते हैं, करोड़ों टका उस हार्दिक अभिनंदन। और झारखंड के पावन धरती पर मैं आप सभी कार्यकर्ता और राज्यवासियों के तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। 17 अगस्त 2023 से समापन समारोह में तक मान
यहाँ समाप्त कर रहे हैं, वही कल यहाँ से न केवल यहाँ से देश के विभिन्न राज्यों से मेरा माटी मेरा देश मेरी माटी मेरा देश का अभियान जो विभिन्न गांवों से प्रखंडों से मिट्टी लेकर राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ से राज्य से और देश भर से लोग प्रस्थान करके दिल्ली पहुंचेंगे। Thank you.